दोस्तों ये है इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड जो एक सिस्का ब्रांड का है। ये एक पोर्टेबल एक्सटेंशन बोर्ड है। इसको ऑर्डर किया था हमने फ्लिपकार्ट से 2 दिन पहले और इसकी डिलीवरी हमें मिल चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको रिव्यू करेंगे और डिटेल में इसकी स्पेसिफिकेशन को बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों ये है बॉक्स जो हमें आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। आइए हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके देखेंगे। तो इसकी पैकिंग ज़बरदस्त है, फ्लिपकार्ट की पैकिंग अच्छी होती है। इस बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें दूसरा बॉक्स दिख रहा है, इसमें टेपिंग वगैरह भी फ्लिपकार्ट ब्रांड की ही अच्छे से की हुई है। तो ये दूसरे वाले बॉक्स को हम बाहर निकालते हैं। ये रहा हमारा सिस्का पावर व्हील। तो ये इलेक्ट्रिक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक बोर्ड है और इसकी सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन सारा मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर, आप जैसा देख सकते हैं। दोस्तों ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसकी जो वायर की लेंथ है वो तकरीबन 4 मीटर की होती है, और ये 4 मीटर की भी होती है, 10 मीटर की भी होती है और 7 मीटर की भी होती है। और वो डिपेंड करता है आपके प्राइस के ऊपर, कौन सा आप परचेस कर रहे हैं। तो इसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। ये 4 मीटर की वायर है, बिल्कुल स्मूथ है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। ये सिस्का ब्रांड इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी रिप्यूटेड ब्रांड है। बोर्ड को वापस से वायर को इसमें लपेटने के बाद हम इसको और अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड वाली सर्किट है उसमें लगाकर इसको चेक करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करके देखेंगे। तो आइए प्लग हम लगाते हैं अपने सर्किट में जो घर के अंदर है, और इसको स्विच देते हैं। स्विच देते ही यहाँ पर भी हमें ऑन करना है, बोर्ड के अंदर भी एक स्विच बटन दिया हुआ है। इसको ऑन करते ही इसमें रेड इंडिकेटर जलने लगता है। अब हम इस फैन के प्लग को इस पोर्टेबल बोर्ड के सर्किट में लगा कर चेक करेंगे कि इसमें लाइन प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इसको सिंपली स्विच इस बोर्ड के अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं अपने टेबल फैन की, तो ये साबित होता है कि ये बोर्ड काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है।